हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की पोस्ट आ चुकी है। सो कीप ऑन वॉचिंग फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंट डेट्स, सो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9th ऑफ डिसम्बर से स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट रहेगा 29th ऑफ डिसम्बर। उसका कॉल लेटर जो है वो अराउंड 12th ऑफ जनवरी तक डाउनलोड हो पाएगा एंड उसका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो भी अराउंड जनवरी तक आ जाएगा। नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसीज, सो फॉर द स्टेट गुजरात देर आर टोटल 300 ऑफ वैकेंसीज। इन द स्टेट कर्नाटका देर आर टोटल 250 ऑफ वैकेंसीज। इन मध्य प्रदेश देर इज 150, इन छत्तीसगढ़ देर इज 50, इन तमिलनाडु देर इज 250। सिमिलरली इन राजस्थान देर इज 100 ऑफ वैकेंसीज। सो देर आर टोटल 1100 ऑफ वैकेंसीज एंड देट वॉज द रेगुलर वैकेंसीज। नाउ टॉकिंग अबाउट बैकलॉग वैकेंसीज, तो देर इज टोटल 126 ऑफ वैकेंसीज। कमिंग टू एप्लीकेशन फीस, सो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 750 रुपीज पे करना पड़ेगा, और अगर आप जनरल या ओबीसी के अलावा बिलोंग करते हो तो आपको कुछ भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहेगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो देर इज वन पॉइंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो फॉर दैट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मींस अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। द सेकेंड वन इज रिगार्डिंग एक्सपीरियंस, सो there is minimum 2 years of experience as an officer in any commercial bank or any regional rural bank, यानी आपसे यहाँ पे minimum 2 years का experience मांगा हुआ है, which is mandatory. And the third one is local language. So अगर आप किसी भी particular state पे apply करते हो तो वहाँ का जो local language है उसमें आप proficient होने चाहिए, means you should be able to read, write and understand that local language. Now talking about selection procedure, so there will be 3 stages of selection process. First one will be online written test, second will be screening and third one will be interview. In online test, there first will be objective test. Uske andar 4 alag alag sub subject diye gaye hain. फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स विल बी 30 एंड ड्यूरेशन विल बी 30 मिनट्स। फॉर बैंकिंग नॉलेज देर इज 40 ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स विल बी 40 एंड ड्यूरेशन विल बी 40 मिनट्स। थर्ड वन इज जनरल अवेयरनेस या और इकोनॉमी, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 30, उसके मार्क्स भी रहेंगे 30 एंड ड्यूरेशन विल बी 30 मिनट्स। एंड द फोर्थ वन इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 20, मार्क्स रहेंगे 20 एंड ड्यूरेशन विल बी 20 मिनट्स। देर विल बी टोटल 120 ऑफ क्वेश्चंस, ईच कंटेनिंग 120 मार्क्स एंड ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन टेस्ट, उसका सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। उसमें है वो लेटर एंड एसे राइटिंग के बारे में आपको राइट करना रहेगा, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 2, मार्क्स विल बी 50 एंड ड्यूरेशन विल बी 30 मिनट्स। टॉकिंग अबाउट सैलरी, सो देर विल बी बेसिक पे ऑफ 23,700 रुपीज टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 एंड ऑल्सो देर विल बी इंक्रीमेंट लाइक अदर्स। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। फर्स्ट यू नीड टू गो टू SBI official website, which is bank.sbi/web/careers. उसके अंदर आपको एक advertisement मिलेगा, which is recruitment of circle based officer. उसमें आपको apply online पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको basic details डाल सकते हो और आप payment करके इस तरह से आप apply कर सकते हो. So this was the information about how to apply and what will be procedure. So I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।